हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स का एक और बहुत अच्छा ट्रिक। एक्चुअल में दिस वीडियो कंटेन्स टू ट्रिक्स, और वन ट्रिक सेज कि अगर यूनिट डिजिट का सम 10 है और टेंथ डिजिट सेम है, और दूसरा है अगर यूनिट डिजिट सेम है और टेंथ डिजिट का सम 10 है। बहुत अच्छे हैं, और अभी देखते हैं कि इनके साथ क्या करना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को रेफ़र कीजिए। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। पहला ट्रिक कहता है कि एक टू डिजिट नंबर में अगर मेरे पास यूनिट डिजिट का सम 10 है और टेंथ डिजिट सेम है, जैसे 43 एंड 47, मैं करूँगा क्या, मैं यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा 21। करने से पहले आपको ज़रूर ये चेक करना है कि यूनिट डिजिट्स का सम 10 होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप 4 × 5 यानी नेक्स्ट डिजिट, दोनों चार हैं, एक चार को आप नेक्स्ट डिजिट पे ले जाएंगे 5, 4 × 5 20, एंड दैट इज़ दी आंसर। एक और प्रॉब्लम करते हैं, 51 एंड 59। देखिए 9 × 1 9, लेकिन हमें 09 लिखना है। हमेशा हम दो नंबर्स के साथ डील करेंगे, 5 और 5 को 6 बना देंगे ऊपर वाले 5 को, तो 5 × 6 30, देखिए हो गया। अब हम करेंगे 63 एंड 67, 21 6 × 7 42, दैट्स द आंसर। 64 66 6 × 4 24 6 × 7 42, 93 एंड 97, 90 वाली लाइन थोड़ी सी मुश्किल होती है तो ध्यान दीजिए, 7 × 3 21, 9 × 10 90, आंसर आ गया है, और कितनी आसानी से आ रहा है, 79 × 71, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, 9 × 1 09, 7 × 8 56, दैट्स द आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं और बहुत धीरे से और आराम से कैलकुलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए और उनके आंसर्स लिखिए, और उसके बाद मैं भी उनके आंसर्स लिखूंगा। सी, देखिए प्रैक्टिस के लिए आई हैव गिवन यू 7 क्वेश्चंस, वीडियो पॉज कीजिए और इनके आंसर्स लिखिए। 5 4 3 2 1, आई होप अब तक आपने वीडियो पॉज किया होगा। अब इनके आंसर्स लिखते हैं, 9 × 1 = 09 and 8 × 9 = 72, दैट्स दी आंसर। 16 × 4 = 12, दैट्स दी आंसर। 24 × 5 = 20, दैट्स दी आंसर। 09 2 × 3 = 6, दैट्स दी आंसर। 16 9 × 10 = 90, दैट्स दी आंसर। 09 5 × 6 = 30, दैट्स दी आंसर। एंड 21 1 × 2 = 2, दैट्स दी आंसर। देखिए कितनी जल्दी और कितनी अच्छे से हो गया है। आई होप यू मस्ट हैव इन्जॉयड द ट्रिक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। दूसरा ट्रिक इज़ इवन बेटर, उसमें हम डिफरेंट नंबर्स के साथ डील करते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है, लेट्स सी दैट। दूसरा ट्रिक ये कहता है कि अगर हमारे पास दो डिजिट नंबर हैं, कोई दो, और यूनिट डिजिट सेम है और टेंथ डिजिट का सम 10 बनता है, तो रिजल्ट कैसे आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 24 एंड 84, अगर हमें वैसे मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और अप्लाई कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 4 = 16, दैट्स इट। अब जो टेंथ डिजिट हैं उन्हें भी मल्टीप्लाई कर देना है, सेपरेटली करते हैं, 8 × 2 = 16, और जो नंबर यूनिट प्लेस पे बार बार रिपीट हो रहा था उसे हम ऐड कर देंगे, तो 20 आ जाएगा, एंड दैट विल बी माई आंसर। इजंट इट ईजी। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 36 एंड 76। देखिए यूनिट डिजिट सेम है और टेंथ डिजिट का सम 10 बन रहा है, तो ये आ जाएगा 6 × 6 = 36, 7 × 3 = 21 and 6 will be added, so 27, 2 × 7 = 36, isn't it a wonderful trick? कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा आसान और फन हो जाता है कैलकुलेशंस करना कि इट्स अ केक वॉक फॉर यू। लेट्स डू एंड टेक सम बिगर नंबर्स, जैसा कि हमारे पास 99 आ गया है और 19 आ गया है।
डिफिकल्ट नंबर्स, 9 9 81। अब देखिए 9 into 1 9 आ जाएगा, ऊपर से उसमें हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सो देखिए कितनी आसानी से ये मल्टीप्लिकेशन हमसे हो गई है। अब वीडियो पॉज कीजिएगा और उसके बाद पॉज करने के बाद हम आंसर टैली करेंगे। लेट्स सी, ये मैंने 9 क्वेश्चंस लिखे हैं, 5 4 3 2 1। पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर्स, आई विल कम बैक। चलिए आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 7 ज़ा 49, 8 2 ज़ा 16 प्लस 7 23, दैट्स द आंसर। 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24 प्लस 4 18, दैट्स द आंसर। 1 1 ज़ा 1 0 1, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10, दैट्स द आंसर। 1 1 ज़ा 1 0 1, 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22, दैट शुड बी द आंसर। 3 3 ज़ा 9 0 9, 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 19, दैट्स द आंसर। 9 9 ज़ा 81, 7 3 ज़ा 21 प्लस 9 30, दैट्स द आंसर। 9 9 ज़ा 81, 8 2 ज़ा 16 प्लस 9 25, दैट्स द आंसर। 7 7 ज़ा 49, 9 1 ज़ा 9 प्लस 7 16, दैट्स द आंसर। 9 9 ज़ा 81, 6 4 ज़ा 24 प्लस 9 33, दैट्स द आंसर। देखिए हमने कितनी जल्दी कर लिया है। एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा है प्लीज़ लेट मी नो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड। बाय बाय।